बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां दुख संकट से मुक्ति होना। और जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पे निगाह है भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं, संविधान की कैसे धज्जियां उड़े, कैसे उसमें क्या रास्ता निकाला जाए जिससे अपने लोगों को वो संतुष्ट कर दें या खुश कर दें, अपने लोगों को कुर्सी पे बैठाने के लिए जो लेटरल एंट्री का खेल चल रहा है कोई पहली बार नहीं हो रहा है, न इसमें आरक्षण है न इसमें संविधान की कहीं जो व्यवस्था है उसका पालन है, अपने लोगों को खुश करने के लिए लेटरल एंट्री कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल चुनाव के समय हम लोगों ने पूछा था, मन से रखा था, हम और आप सबने देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में नैनो यूरिया खरीदवा दी गई। सुनने में ही आ रहा है, हो सकता है ये बात आपकी भी जानकारी में हो कि नैनो यूरिया वाले भी लेटरल एंट्री से आए थे, ना नैनो यूरिया से कोई किसान को लाभ पहुंचा है और अभी तक कोई सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है जिसके माध्यम से ये बता सके कि नैनो यूरिया से इतना लाभ किसानों को पहुंचा है। जो लेटरल एंट्री से लाए थे वही नैनो लेकर के आए थे, यूरिया नैनो, और लेटरल एंट्री वाले बहुत सारे लोग जिस तरीके से भारत से उद्योगपति भागे थे उसी तरीके से लेटरल एंट्री से नौकरी पाने के बाद कुछ भ्रष्टाचार कर करके भारत छोड़ के चले गए वो। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो और लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत छोड़कर। सुल्तानपुर के जल निगम के इंजीनियर की हत्या होना ये बताता है कि जीरो टॉलरेंस जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जीरो हो गई है और आए दिन अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी कन्नौज की खबर मैंने अखबार में पढ़ी कि एक चौकी इंचार्ज किसी प्रधान पर दबाव बना रहा है कि एसी लगवा लें। बताओ अब तो मौसम भी अच्छा हो गया, एसी क्या जरूरत है, अब तो पंखे से सो सकते हो। बताइए मौसम अच्छा हो गया, उस समय भी पुलिस नहीं मान रही है, दबाव बना रही एसी के लिए। ये है इनका जीरो टॉलरेंस करप्शन का। और आपके विभाग के बारे में मैंने बोला, आपके विभाग के बारे में, आपके विभाग में भी भ्रष्टाचार है उत्तर प्रदेश का, आप सब जानते हो जितने खड़े हैं। कि सुनने में आया कि 1000 होर्डिंग का पैसा लिया था, लगती 200 ही है।